नमस्कार बच्चों, मैं मीता पाठक, आपकी संस्कृत अध्यापिका होली हार्ट्स एजुकेशनल एकेडमी रायपुर छत्तीसगढ़ से आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने तून प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त की और जो कक्षा 6वीं और 7वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, आज हम लोग जानेंगे कत्वा प्रत्यय के बारे में जो 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कत्वा प्रत्यय किसे कहते हैं। कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है कर या करके। कत्वा प्रत्यय का एक सूत्र है समान कर्तिकयो पूर्व काले, अर्थात जहाँ एक ही कर्ता द्वारा दो क्रिया की जा रही हो वहाँ पर पूर्व काल यानी पहले की जाने वाली क्रिया में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे बालक पढ़कर लिखता है। बालक पढ़कर, यहाँ पर पढ़कर पहला क्रिया हो गया, दूसरा हो गया यहाँ पर लिखता है, यहाँ पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। बालकः पठित्वा लिखति, बालक पढ़कर लिखता है। अब हम लोग कत्वा प्रत्यय के कुछ नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कत्वा प्रत्यय का नियम इस प्रकार है। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते समय कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है, जैसे पढ़ धन कत्वा पठित्वा, का इसमें लोप हो जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग करते समय दूसरा नियम है इसका। इस प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग होता है, ई यानी छोटी ई का प्रयोग होता है, यदि अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा न हो तो। तीसरा नियम है, यदि धातु का अंतिम वर्ण म या न हो तो इसका लोप हो जाता है तथा शेष वर्ण में ई का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यहाँ पर गम धन कत्वा गत्वा, गम में म अंत में दिया हुआ है और इसमें इसी कारण इसमें गम म का लोप इसमें हो गया और हो गया शब्द गत्वा। नम धन कत्वा नत्वा, म का इसमें लोप हो गया है। पढ़ धन कत्वा पठित्वा, इसमें छोटी की मात्रा लगाई गई है। चल धन कत्वा चलित्वा। अब हम लोग जानेंगे कत्वा प्रत्यय का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग। किस प्रकार हम लोग कत्वा प्रत्यय का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, या वह पुस्तक पढ़कर उत्तर लिखता है। यहाँ पर पहले वो पुस्तक को पढ़ता है फिर उत्तर लिखता है, दो क्रियाएं करता है, पहला पढ़ता है उसके बाद फिर लिखता है। तो इस ऐसे वाक्यों में संस्कृत में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे इसका संस्कृत अनुवाद हुआ सः पुस्तकं पठित्वा उत्तरं लिखति, मैं खाकर जल पीता हूँ, अहम् खादित्वा जलं पिवामि। यहाँ पर भी खाकर तथा पीता हूँ दो क्रिया है, तो यहाँ पर इसलिए कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है अहम् खादित्वा जलं पिवामि। इस प्रकार कत्वा प्रत्यय से शब्द भी बहुत सारे बनते हैं, जैसे पढ़ धन कत्वा पठित्वा, चल धन कत्वा चलित्वा, लिख धन कत्वा चलित्वा, खाद धन का कत्वा खादित्वा। तो बच्चों, आज हमने कत्वा प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त की। आशा है यह टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।